हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र अबूज गुजरात से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अच्छे नहीं हो तो लाइक कर दोगे तो ज़रूर अच्छे हो जाओगे। और अभी तक अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन टोन जो है उसको ऑन कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई ऑप्शन पूछ रहा है तो ऑल कर दीजिएगा, तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ें उससे पहले एक बात मैं आपको अभी से बता दूँ कि मेरा कोई भी वीडियो उसको कुछ भी आप मत उसके अंदर स्किप मत कीजिए। 5, 10, 15 सेकंड का कुछ भी आप स्किप करोगे तो बीच में जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है मैं आपको बताता हूँ वो आप तक नहीं पहुँचेगी, और फिर आप व्हाट्सअप करोगे, मुझे कॉल करोगे कि सर ये बताइए, है ना। जो चीज़ आप मुझसे पूछोगे फ़ोन के ऊपर वो ऑलरेडी वीडियो के अंदर रहती है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, और उसके बाद अगर कुछ मेरे से छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा कि वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग घबरा गए हैं कि भाई MCX में से अब मिनी लॉट हट चुका है, क्रूड ऑयल में से मिनी लॉट निकल गया, कोपर में से मिनी लॉट निकल गया, और निकल में से मिनी लॉट निकल गया, कोपर निकल का जो मेगा लॉट थे उनकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी कर दी गई, तो प्रॉब्लम हो गया है। अब और सेबी ने मतलब झटका दिया है कि भाई मार्जिन जो है वो सभी में बढ़ा दिया जाएगा, लीवरेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जितना मार्जिन नॉर्मल में लगता है उतना ही मार्जिन सभी में लगेगा। तो भाई अगर आपको क्रूड ऑयल कैरी करना है तो 42,000 या 43,000 मार्जिन लगेगा, है ना। तो जिनका फंड मोस्टली मैंने अभी सर्वे किया था, उस सर्वे के अंदर भी सभी ने मतलब अपना वोट दिया था और कहा था कि 70% जो मतलब ट्रेडर है उनका जो फंड है वो 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में है, तो अभी वो टेंशन में आ गए हैं। एक तरीके से सेबी का ये जो कदम है वो अच्छा है, इससे क्या होगा कि जो स्मॉल ट्रेडर उनका फंड बचा रहेगा, वो ज़्यादा लीवरेज मिलेगी ही नहीं, तो ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं लेंगे, अगर ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं ले रहे हैं तो कैपिटल जो है वो सेफ रहेगा। खैर अब इसका इलाज क्या है ना, ये पार्ट वन है, इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी स्क्रिप्ट है, ठीक है, और उनके अंदर कितना फंड लगता, मार्जिन कितना लगेगा, कैसे चेक करना है, कहाँ से आप चेक करोगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए चेक कीजिए। तो अब मैं आपको पार्ट वन के अंदर ये बताऊंगा कि कौन सी स्क्रिप्ट आपको लगानी है, उसमें कितना मार्जिन लगेगा, लॉट साइज क्या है, ठीक है, दिन की मूवमेंट क्या रहती है, पोजिशनल कैरी करना है या नहीं करना है, और सेकंड के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इनमें आप मतलब बाय सेल करके प्रॉफिट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, और पोजिशनली भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो दो पार्ट होंगे टोटल, ये पहला पार्ट है। इस पार्ट के ऊपर मुझे 150 लाइक चाहिए, अगर 150 लाइक आ गए तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये बताऊंगा कि इनमें से कैसे आपको पैसे कमाने चाहिए, कितना फंड है तो मतलब आपको कितने लॉट लेने चाहिए, ठीक है। एक मैं आपको हिंट भी दे दूँ, अगर आपके पास 10,000 भी है तब भी आप ट्रेड कर पाओगे, 20,000 है तो भी हो जाएगा, इवन 5,000 है तब भी आप कुछ ना कुछ निकाल लोगे। ये स्क्रिप्ट मैंने जब सभी जो लगाई हैं स्क्रिप्ट वो ऐसी स्क्रिप्ट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको फंड को डिवाइड कर देना है, थोड़ा फंड इक्विटी में रखना है, थोड़ा फंड कमोडिटी में रखना है। तो जो इक्विटी वाला फंड है वो किस लिए है, वो स्टॉक के लिए है, स्टॉक का लिस्ट ये रहा, लिख लीजिए आप, इनमें से कोई भी स्टॉक आप लगा सकते हो, और भी स्टॉक है मेरे पास, 50 ऐसे स्टॉक हैं जिनको आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, तो उसका भी लिस्ट आपको मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, और ये उनसे भी सेफ है, ठीक है। चार करेंसी पेयर आपको दिख रही है, USD INR, GPU INR, GBP INR और EUR INR, ठीक है। उसके बाद गोल्ड पेडल है, ये इसकी लॉट साइज क्या है, ये मतलब 1 रुपये अगर टर्न हो रहा है ये 1 ग्राम का है, तो 1 रुपीस पे 1 रुपीस आपको प्लस या माइनस होगा, और इसकी दिन की मूवमेंट एवरेज 20 से लेके 35 पॉइंट तक की है, और इसमें मार्जिन भी मतलब ज़्यादा नहीं लगता है, मार्जिन अभी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लगा दीजिए। सिल्वर माइक्रो है, ये भी 1 किलो का लॉट है, ठीक है, 1 रुपीस इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट अगर घूम रहा है तो आपका 1 पॉइंट 1 रुपीस प्लस या माइनस होगा। मान लीजिए आपने 47,625 पे लिया है, 26 हो गया तो आपको 1 रुपया मिलेगा अगर बाय किया है तो, ठीक है। ये इतना बेसिक मैं इसीलिए समझ रहा हूँ कि कुछ ट्रेडर को ये चीज़ भी पता नहीं होती है, तो प्लीज़ थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। और ये जो आपको दिख रहा है नीचे क्रूड ऑयल के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने 8 से 10 वीडियो बनाए हुए हैं, उन सभी की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप मतलब कैरी कर सकते हो क्रूड ऑयल को, मेगा को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 4,700 का कॉल है, इसका रेट अभी 27 रुपये है, ठीक है, सुबह तो इसका कुछ 17-18 रुपये था, तो 1700-1800 में आप क्रूड ऑयल मेगा को कैरी कर सकते हो टिल एक्सपायरी, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेगा लॉट लेना है तो कितना लगेगा, 41,000-42,000, लेकिन यहाँ पे आप 1700-1800 में इसको कैरी कर सकते हो। इवन अभी आप इसको परचेस करोगे तो आपको 2740 रुपये सिर्फ लगेंगे, 2740 रुपीज़ लगेंगे,
ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये स्टॉक्स, ठीक है, तो आप इनको, ठीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि इसमें फिर फंड जो है वो मतलब ज़्यादा लगेगा नॉर्मल में। तो ये चीज़ें आप, मतलब ये जो स्टॉक्स हैं वो इंट्राडे के लिए अच्छे हैं, आप इनको भी ले सकते हो फंड अगर आपका उस हिसाब से है तो, ठीक है। इनमें अगर मैं बात करूँ MRF की तो 65,000 आपके पास नहीं होंगे तो ये आप लिस्ट से हटा सकते हो। आईएसआर मोटर 20,000 में भी आपके पास होंगे तो ये भी आप कैरी कर सकते हो। दिन की मूवमेंट इनकी 1,000, 2,000, 3,000 तक की होती है तो उस हिसाब से अर्निंग होगी आपकी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊँगा किसकी मूवमेंट कितनी है ना, क्या करना है प्रॉफिट लेने के लिए, पैसा बनाने के लिए इनमें से आपको क्या करना है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, 10,000 है 20,000 है तब भी आप मार्केट में से कुछ ना कुछ निकाल पाओगे। बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, हर चीज़ का अल्टरनेटिव रहता ही है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा पार्ट अगर आप चाहते हो आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो जाए तो मुझे इसके ऊपर 150 प्लस लाइक चाहिए। 150 से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं दूसरा पार्ट अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पैसे से पैसा बना सकते हो इन स्क्रिप्ट का यूज़ करके, ठीक है। जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आपके पास ज़्यादा फंड है और आप चाहते हो कि कंटिन्यूस प्रॉफिट मिले आपको तो डे ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हो। डे ट्रेडिंग ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ज्वाइन फॉर डे ट्रेडिंग, तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।